चैप्टर फिफ्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है रीड द गिवन हिस्ट्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज अब हमें एक क्या दे रखा है भाई हिस्ट्रोग्राम दे रखा है ये हिस्ट्रोग्राम को देख कर हमने आंसर देने हैं क्वेश्चन के तो सबसे पहले हिस्टोग्राम देख लेते हैं क्या है देखो इधर दे रखी भाई सैलरीज इन रुपीज़ और इधर दे क्या नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि जो इस, इस स्ट्रोक्राम में क्या है सैलरीज बता रखी है वर्कर्स की ठीक है और जैसे अब ये टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक सैलरी कितने वर्कर्स की है तो इधर इसकी सीधे में आ जाएगा फिफ्टी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिफ्टी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है फिफ्टी फिफ्टी वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक है ऐसे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थ्री थाउजेंड तक कितने किया भाई इसकी अगर हम इसकी अगर सीध में चलें तो फोर्टी वर्कर्स ऐसे हैं ऐसे फिर 3, कर, थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी वर्कर्स की सैलरी है और फाइव एट्टी वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर फोर थाउजेंड तक सिक्सटी वर्कर्स की सैलरी है और ऐसे आगे ट्वेंटी वर्कर आ जाएगा फिर टेन वर्कर आ जाएगा ठीक है ये हमको एक हिस्टोग्राम दे रखा है अब हमने इस हिस्टोग्राम को देख कर जो इसने क्वेश्चन पूछे हैं हमसे इसने सिक्स क्वेश्चन पूछे हैं उनके हमने आंसर देने हैं तो पहला इसने क्वेश्चन पूछा है वट इन्फॉर्मेशन इज़ डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम इस हिस्टोग्राम से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये हमें बताना है तो हमने क्या करा भाई तो टोटल वर्कर कितने हो गए फिफ्टी फोर्टी एटी सिक्सटी ट्वेंटी और टेन तो टोटल वर्कर जब हम इन सबको ऐड किया तो टोटल वर्कर कितने वर्कर्स की सैलरी दे रखी है ये हो गया भाई टोटल आ गया इसका टू सिक्सटी टू सिक्सटी वर्कर्स हैं ये ठीक है मज़दूरों की सैलरी दे रखी है तो अब लिखेंगे द हिस्टोग्राम डिपिक्स हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है तो लिखेंगे हम द हिस्टोग्राम दिस्टोग्राम डिपिक्ट सैलरीज ऑफ टेन बाई टू वर्कर ये सैलरी के बारे में बता रहा है जो 260 वर्कर को मिलती है तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा इसका अब सेकंड में इसने पूछा है प्रिपेयर ए ग्रुप्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हिस्टोग्राम अब हमने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इस हिस्टोग्राम को देखकर. बिल्कुल आसान है तो हम लिख लेंगे इधर लिख लेंगे सैलरी क्लास uh, इंटरवल में दिखाएंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रिक्वेंसी में दिखाएंगे इसको ठीक है जो भी नंबर ऑफ वर्कर नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हो नंबर ऑफ कुछ हो उसको हम फ्रिक्वेंसी में दिखाते हैं और क्लास इंटरवल सैलरी को हमने क्लास इंटरवल में दिखाया है तो क्या है भाई पहला टू थाउजेंड से, से ले कर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थ्री थाउजेंड तक फोर्टी वर्कर ऐसे हम लिख देंगे टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वर्कर हैं और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थ्री थाउजेंड तक सैलरी फोर्टी वर्कर्स की है थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी वर्कर की सैलरी है फिर सिक्सटी वर्कर की सैलरी है फिर ट्वेंटी वर्कर की फिर टेन वर्कर की हमने इसमें से ही देखकर ये हमने क्या बना दिया ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल हमने बना दिया और ये लिख दिया फिर लिख दें यहाँ पे टोटल टोटल कितने वर्कर हैं ये टू सिक्सटी चलो ये सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा अब इसका देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द वर्कर हैविंग सैलरीज मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हमने ऐसे वर्कर बताने हैं जिनकी सैलरी क्या है पैंतीस सौ रुपये से ज़्यादा है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपये से ज़्यादा है ऐसे वर्कर बताने हैं तो ये यहाँ से आ ना पैंतीस सौ से लेकर ये फाइव थाउजेंड तक ठीक है तो ये वाले वर्कर ऐसे हैं देखो ये तो पैंतीस सौ पैंतीस सौ इसमें नहीं आएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें नहीं आएगा इसमें थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड तक ही आएगा ठीक है इससे छोटे ही आएंगे सैलरी मतलब अब थ्री थाउज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ये जितने भी हैं वो ज़्यादा सैलरी वाले हैं तो ये आ गया सिक्सटी ट्वेंटी और टेन तो सिक्सटी ट्वेंटी और टेन कितना होता है नाइन्टी होता है तो नाइन्टी वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज़्यादा है अब आगे पूछा है उसने आ, थ में पूछा है इन विच ग्रुप इज द नंबर ऑफ वर्कर मैक्सिमम ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा वर्कर हैं ऐसा कौन सा ग्रुप है तो फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है एट्टी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और एट्टी वाला ग्रुप कौन सा है वो है थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो थ्री थाउजेंड से लेकर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये ग्रुप क्या है जिसमें मैक्सिमम वर्कर हैं अब इन विच फिफ्थ है इन विच ग्रुप इज ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ वर्कर मिनिमम अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे कम क्या है वर्कर हैं तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम कौन सी है आप देखोगे फ्रीक्वेंसी टेन वाली फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो ये किस ग्रुप की है ये ग्रुप है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर फाइव थाउजेंड वाला तो हम लिख देंगे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड ये ग्रुप ऐसा है जिसकी जिसमें सबसे कम वर्कर हैं अब आ गया सिक्स क्वेश्चन वट आर द क्लास इंटरवल ऑफ ऑल द क्लास वट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ऑल क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल के जितने भी ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं इन सब के हमने क्लास मार्क्स बताने हैं 2000 से ले 2500 इसका हमने क्या बताना है क्लास मार्क बताना है ऐसी इन सब के बताने हैं हमने ठीक है ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है देखो कैसे करते हैं इसको uh, मैंने लिख लिया क्लास इंटरवल जिसके हमने बताने हैं क्लास मार्क ठीक है ये क्लास इंटरवल है ये क्लास मार्क हमने निकाल लिया ये मैंने आंसर लिख रखा है कैसे किया मैंने क्लास क्लास इंटरवल कितना है 2000 से लेकर 2500 अगर क्लास मार्क निकालना है इस क्लास इंटरवल का अगर क्लास मार्क निकालना है तो कैसे करते हैं दोनों को कर दो प्लस और टू से कर दो डिवाइड इन दोनों को प्लस किया जब हमने तो आया हमारे टू थाउजेंड चलो करके दिखा देते हैं और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को जब हमने प्लस किया फोर थाउजेंड आया हमारे पास फाइव हंड्रेड इसको कर दो टू से डिवाइड टू से डिवाइड जब इसको करेंगे तो आ गया हमारे पास टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ठीक है जब भी आपने क्लास मार्क्स निकालने हैं तो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करना है और टू से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ गया क्लास मार्क ऐसे ही इन दोनों को प्लस करो टू से डिवाइड करो इतना आ गया इन दोनों को प्लस करो लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करो ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क ऐसे इन दोनों को प्लस करो टू से डिवाइड करो ऐसे इन दोनों को प्लस करो टू से डिवाइड करो ये आ जाएगा ऐसे ही इन दोनों को तो प्लस करो टू से डिवाइड करो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे तो ये तो पास क्या आ गया इसके क्लास मार्क आ गए देखो क्योंकि अब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि तो ये इनका डिफरेंस क्या है सेम है कितने का डिफरेंस है इसमें 500 का डिफरेंस है तो क्लास मार्क में भी 500 का डिफरेंस ही आएगा पहला जैसे ही हमने क्लास मार्क निकाला क्योंकि तो ये सेम था ना डिफरेंस इनमें फाइव फाइव हंड्रेड का डिफरेंस था तो इसमें भी फाइव हंड्रेड का डिफरेंस होगा जैसे ही हमने क्लास मार्क निकाला टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सब में फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ऐड करते जाओ ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी में फाइव हंड्रेड ऐड किया तो ये आ गया ट्वेंटी सेवन टू सेवन फाइव जीरो फिर इसमें फाइव हंड्रेड एड किया तो थ्री टू फाइव जीरो ऐसी 500, 500 करके भी आ सकता है ठीक है मगर तरीका क्या है क्लास इंटरवल निकालने का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो और टू से डिवाइड करो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका द वाटर बिल इन रूपीज वाटर का पानी का बिल दे रखा है और थर्टी हाउसेस तीस घरों का पानी का बिल दे रखा है इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या बनाना है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल बनाना है विद क्लास साइज क्लास साइज भी दे दिया फिफ्टीन क्लास साइज दे दिया यानी कि जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का जो डिफरेंस होएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वो फिफ्टीन होगा ठीक है और ये दे रखा है था, मतलब थर्टी हाउसेज का बिल दे रखा है तीस रुपये तैतीस रुपये फोर्टी फाइव फिफ्टी फ़ोर सेवेंटी फोर ऐसे दे रखा है ये कितने हाउस का बिल है ये है थर्टी हाउस का बिल इसका हमने क्या बताना है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है तो एक तरफ लिखो आप वाटर बिल इन रूपीज़ और इधर लिखो नंबर ऑफ हाउसेज़ कोई भी नंबर ऑफ़ मैंने आपको बता रखा है कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो नंबर ऑफ वर्कर हो नंबर ऑफ हाउसेज़ हो उसको हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं और वाटर बिल का हमने इसने क्या क्या था साइज लेना है फिफ्टीन ठीक है क्लास साइज कितना लेना है फिफ्टीन लेना है तो सबसे पहले इसमें से देख लो सबसे छोटी वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन है तो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है फोर्टीन और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वन हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है तो तो फिफ्टीन का हमने क्या लेना था क्लास साइज लेना था तो पहली ले लेंगे हम जीरो से फिफ्टीन फिर ले लेंगे फिफ्टीन से थर्टी फिर थर्टी से फोटी फाइव इस तरह से हमने क्या बना लिया एक ज़ीरो टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फ़ाइव ऐसे हमने ये क्लास इंटरवल्स बना लिए फ़िफ्टीन क्लास साइज लेकर अब क्या करना है नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है ज़ीरो से लेके कर फिफ्टीन अब ये एक बात कई बार मैंने बता दी है नोट कर लेना जीरो से लेके कर फिफ्टीन तक का मतलब कि इसमें फिफ्टीन नहीं आएगा इसमें फ़ोटीन तक ही देखना है हमने फ़ोर्टीन तक कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है तो जीरो से ले 15 का मतलब 0 से लेके 14 तक देखना है तो देखो तो इसमें से फोटीन फोर्टीन जीरो से ले कर तक ये आ गई ठीक है और इसमें जीरो से ले कर तक ये आ गया यानी कि दो ऑब्ज़र्वेशन है ये वाली और ये वाली दो ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो ज़ीरो से ले कर फिफ्टीन तक आती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी टू ऐसी फ़िफ्टीन से ले कर थर्टी तक हम फिर से देख लेंगे फिफ्टीन से ले कर थर्टी तक यानी कि फ़िफ्टीन से लेकर कर ट्वेंटी तक आएगा ऐसी इसमें फिर से हम ऐसे ही देखेंगे ट्वेंटी नाइन तक तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्टीन से लेकर कर ट्वेंटी नाइन तक ठीक है यानी कि एक आ गया ये फिफ्टीन आ गया और दूसरा आ गया ट्वेंटी तो दो ऑब्जर्वेशन इसकी भी होगी ठीक है ऐसे ही आपने देखना है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आप कर सकते हो थर्टी से लेके फोर्टी फाइव इसमें फोर्टी फाइव नहीं आएगा फोर्टी फाइव थर्टी से लेके फोर्टी फोर तक देखना है इसमें से छाटना है और इसकी फ्रिक्वेंसी लिख देनी है सेवन आ जाएगा ऐसी फोर्टी फाइव से लेके सिक्सटी तक कितनी फ्रिक्वेंसी है टू आ जाएगी सिक्सटी से सिक्सटी फाइव फोर आ जाएगी सेवेंटी फाइव से नाइन्टी सिक्स आ जाएगी नाइन्टी से वन जीरो फ़ाइव थ्री आ जाएगी और वन जीरो फाइव से वन ट्वेंटी आ जाएगी फोर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और टोटल ये इन सब का टोटल करा जब हमने कितना थर्टी थर्टी हाउस ही थे तो थर्टी ही आएगा ठीक है और सारी फ्रिक्वेंसी कहाँ से देखनी है टेबल ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसी ऑब्जर्वेशन इसी डाटा में से ही हमने देखनी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इजी है आपने क्या बनाना है हिस्टोग्राम बनाना है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट वेट दे रखा है केजी में फिफ्टी परसेंट का वेट दे रखा है फिफ्टी से लेके कर फिफ्टी फाइव वेट्स है बारह लोगों का फिफ्टी फाइव से लेके कर सिक्सटी तक वेट है एट लोगों का ऐसे ही दे रखा है ये वेट हमको दे रखा है और इसका हमने क्या बनाना है इसका हमने बनाना है हिस्टोग्राम इस बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है हिस्टोग्राम आपको बनाना आता है सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो ये दे रखी है ट्वेल्व तक दे रखी है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है ट्वेल्व है तो जो भी आप फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हाइट में लेते हैं और जो क्लास इंटरवल है उसको हम बेस में लेते हैं ग्राफ के ठीक है तो सबसे पहले ग्राफ लिया हमने और ये ले लिया एक्स एक्सिस और फिर ये ले ली वाई एक्सिस हम मैंने आपको बताया था जो भी फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ़ जो भी होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ पर्सन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नंबर ऑफ वर्कर वो फ्रीक्वेंसी होती है और हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी को हाइट में लिया जाता है तो हमने ये हाइट ले ली ठीक है और नीचे लिख लिया हमने क्लास इंटरवल क्या है भाई 50 से 55 55 से 60 60 से 65 फाइव फिर सेवेंटी सेवेंटी फाइव एट्टी और 90 ठीक है ये हमने क्लास इंटरवल नीचे लिख लिया जो हमें ये दिया हुआ था ठीक है और इधर लिख ली फ्रीक्वेंसी 12 तक है ना फ्रीक्वेंसी 1 टू 12 ले लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक हमने ये ले ली ठीक है अब हमने देखो पहला क्या है क्लास इंटरवल देखो फिफ्टी से फिफ्टी फाइव की फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्वेल्व तो हम ये ऐसे करके और यहाँ पे जो हम लेंगे ये किंक का साइन ले लेंगे ठीक है क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है फिफ्टी से स्टार्ट है ना तो फिफ्टी से फिफ्टी फाइव की फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्वेल्व है तो जाएंगे हम ऐसे ट्वेल्व तक जाएंगे ये ट्वेल्व आ गया ट्वेल्व की सीध में ऐसे चलेंगे ट्वेल्व ठीक है तो ये हम ऐसा रेक्टेंगल एक बना लेंगे रेक्टेंगल हमने ये बना लिया ठीक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी ट्वेल्व अब अगले की फिफ्टी फाइव से सिक्सटी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी एट थी तो ठीक है तो एट तक ले लेंगे हम ऐसे ही ऐसे फिफ्टी फाइव से सिक्सटी तक एट तक कैसे गए हम ये एट ले लिया हमने इसकी तो इसके साथ ये ये वाला रेक्टेंगल अब ये दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया हमारा ठीक है इसकी फ्रीक्वेंसी एट ऐसी सिक्सटी से सिक्सटी फाइव की फ्रीक्वेंसी फाइव ठीक है फाइव की सीध में ले लिया हमने फिर सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फोर फिर सेवेंटी से सेवेंटी फाइव फाइव फिर सेवेंटी फाइव से एटी सेवन सेवन की चीज में ले लिया फिर एटी टू एटी फाइव कितनी सिक्स ये सिक्स की चीज में ले लिया रेक्टेंगल और एट्टी फाइव से नाइन्टी कितना एट्टी फाइव से नाइन्टी कितना है थ्री है ये हमने थ्री ले लिया ये हमारा क्या बन गया भाई इंस्टोग्राम बन गया नीचे हमने क्या लिखा था वेट इन किलोग्राम और इधर क्या लिखा है हमने नंबर ऑफ पर्सनस नंबर ऑफ पर्सनस और इधर इन पर्सनस का क्या दे रखा है वेट दे रखा है ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया है